हुकम साची बात, पण आप भी मारा सगा भाई सु कम नहीं हो। आप भी मारो हर सभा में मान रखो। सगो भाई तो काई करे फेर, सगा सु ही मोकलो रिश्तो आप रखो मारो। दाता हुकम पछे चारण और बामण री बात कठू आई। ऐसा कितो विश्वास है सुवाजी ना आपने ऊपर, इनमें जात पात की कोई बात ही कोनी। जटे आदमी ने विश्वास है बठी मन मिले। ठीक है सर, बाप फरमाओ कब चाल में, मैं तैयार। हाँ तो हुकुम, मैं तो तैयार हूँ, बस बड़द जोत ने बड़द गाड़ी तैयार है। आप हुकुम करो तो चाला, समय से जाए ने वेगा पुग जासा। रात पासो कर पर बाद में पाछा सुहाव गाँव। ठीक है, आप चलो जाओ। ठीक हुकुम, आप दस बजा रहे। ठीक, आप गाड़ो जुताओ, मैं आऊँ। जय आवड़ माता दी, जय आवड़ माता। आप राजी कुछ जाए लाओ, नारे खेत रो काम मैं संभाल ले सू। ठीक है नारायण। अरे होता तका मने काई चिंता है नारायण, अरे भरोसे तो बड़ो बड़ो काम ले लू। अब तो मैं सुवाजी रे सागे जार मंजूरे खातर चोखो चोखो रिश्तो जोर लाऊ। हाँ रिश्ता तो भरोसे और विश्वास रहा हुए, और जे विश्वास हुए तो आदमी तो भगवान ही आपने नेड़ो ली आवे। और फिर सुवाजी की बेटी मंजू और करनी और गुलाब में काई फर्क है, समान है। जिसी बात सुवाजी की बेटी बिसी मारी बेटी, ऐ सब रिश्ता तो निभावना ही पड़े। सही बात है भाई साहब, जने सुवाजी सीधा आप करने आया है। ठीक भाई साहब, अब आप जाने तैयारी करो, मैं भी खेत खाने जाऊं। बर्बाद है सुवा जी आया, कह रहा कि मंजूरी सगाई खातर मारे साथे गवात्रे चल। भाबो साहब मने सगली बात है, मैं सारी बात सुन ली। अरे भाई साहब, मैं कहो के भाई सगाई वास्ते जाओ तो आपरे भाई बंदा ने लेट जाओ, मारी काई जरूरत। तो क्यों ला क्या क्या आपने माथे जितो भरोसा है उतो तो मने कोई माथे को नहीं। सही है री बाबू साहब, सुवा जी आपरे सगे जासी तो बियो ने भी ठावस रहसी। हाँ क्या कि मैं तो आप नहीं भाई जो मानू। खैर मासा कटे था, मासा और गुलाब बाड़े में गया है। जड़ पिला, फिर मैं जाऊं बाहर काटो बंदोड़ो खड़े, जल्दी कर। हाँ बाबू। जय आवड़ माता री बेटा। जय आवड़ माता री बाबू साहब। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, थारी लीला है सब स्यों न्यारी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, थारी लीला है सब स्यों। साची भाई सा? हाँ मंजू साची, इयो लाग्यो कि थारा भक्ति रा शब्द सुनन कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हो जासी। ना भाई सा,
तारे शब्दों रो जादू तो मंत्र मुक्त कर देवे। बोल मंजू, तने कई चीजे तू जिको मांगो चावे आज तो तू मांगी ले। बस भाई साहब, मने की नहीं चाहिए जाए, मैं मारी भक्ति यहीं ही करती रहूं, वही आशीर्वाद चाहिए जाए। थारा बाबू साहब और थारा बाबू साहब दोनों थारी सगाई रे वास्ते ही तो गया है। तू देख जे उन नए इसो चोखो घर और घर मिलसी के थारा तो जन्म ही सुधर जासी। मंजू तू चिंता ना कर, थारे हुवन वाले सासरिया पक्ष ने तू घनी पसंद आसी। थारो होन वालो पति तने घणो ही सुखी राखसी और वो भी कृष्ण भगवान की पूजा करने वालो ही मिलसी थने। मंजू इन संसार में घना ही जीव दुखी और थोड़ा ही जीव सुखी है। सगला आप आपरा कर्म ले रवे और कर्म रे अनुसार ही फल पावे। पर इन सब बात रे विपरीत एक बात सत्य जरूर है, चिका बहुत कम लोग जाने। बा कही भाई साहब? वह बात आ है कि आप सामान्य मनुष्य जरे हो और फल भुगतो, परंतु साचा मनसू हरि भक्ति ने समर्पित आप रो सर्वस्व हरि भरोसे राखन वाला सत्कर्म करन वालो रा भी लिखियोड़ा कर्म बदल जावे और वो सत प्रतिशत सत्य है। मंजू तारा भाबू सा चिको भी घर ढूंढे उन रिश्ते ने हरी इच्छा समझन हाँ कर दीजिए। मारो आशीर्वाद है कि तू भी घर में खुश रहसी। आपने सादर प्रणाम भाई साहब। कल्याण हो मंजू। प्रभात में आमंडो केर गया, पूरो दिन निकल गयो पर अज तक कोनी आया। हाँ बेटा, मने भी चिंता हो रही है, प्रभात में बेगो आमंडो कियो अज तक ही नहीं आया। अरे मासा, इतनी चिंता ना करो, आम दाउसी बाबू सा हो सके मंजू वास्ते कोई अच्छा रिश्तो मिल गयो हुए तो उन रात सगा प्रसंगी बाबू सा और सुवाजी ने रोक लियो हुए। गुलाब गांव गांव अतरे जावे थोड़ो घणो मड़ो नो स्वाभाविक है। अरे भाई, सगा संबंधियानी मान मनवार भी राखनी पड़े। आई है सुवाजी रे सागे गया और उठे ही रात हुई गी। रात रा तो कोई बातचीत हुई कोई, पर बाद माए उठ बताया मैं बैठ गया। सगड़ा ने था पड़ गयो के सुवाजी रे सागे आयड़ा कोई मामण कोनी, चारण है सुआप गांव रा चारण। फिर पूछ लो काई घर घर जा रहा तया करी अर दोपहर कर पाछा निकल गया। अरे अरे बाबू साहब, दूर गांव से आया हो कि बैठो सांस खाओ, मैं थाने कहीं पूछो थोड़ी है जी को ध्यान थी कहानी बतान लग गया। गुलाब बाबू साहब बांडे गांव से आया है, जा झट पानी रो लोटो भर ला। अब आ लाऊं भाई साहब। लो बाबू साहब। हाँ सर, अब बताओ मंजू रे खातिर कोई छोरो देखियो भाई? हाँ देखियो, रिश्तो पक्को करा है। छोरो घणो ही गुणवान और संस्कारी है, घर भी ठीक ठाक है और गांव रो मोभो है, पोथी पंडित है।
जिसो सुवा जी चाहता इसो ही रिश्तो मिले। और हाँ, ऊपर सु छोरो मंजूरे जार जा कृष्ण री भक्ति में समर्पित है। दोनारी जोड़ी खूब जमसी। वासा, आप चोको करियो, उनारे सागे गया। सुवाजी रो बोझ खड़को गयो। साची बात है, मासा, भाबूसा ने भूख लागी उसी। चालो, आप भोजन की तैयारी कर लो। चालो करने। धोक देवसा। राजी रहो, प्रसन्न रहो। गुलाब भाई, कले वो बैगो तैयार कराओ। अबार लंच। अबकी, नारायण के कोने दिख रहा है। खासा दिन हो गया। कटी, बारे गए डे कहीं। जय आवड माता जी सा। जय आवड माता जी। आ नारायण आ, मैं घना दिनों आयो। उमर घनी बड़ी है नारायण। अबारी सूजी केवा के नारायण घने दिनों नहीं दिखियो। अरे भाई कठे उजड़ हो गयो। मैसा अबार मैं पुगल खाने गयो डो। पुगल? हाँ पुगल। काई काम खातर? अरे भाई साहब पुगल रात सु बुलाओ आयो कि जिको जिको मिनक पुगल रात की सेवा करी है उनने पुगल राव सम्मान पत्र देर इनाम राशि देर सम्मानित करसी। हाँ तो घनी अच्छी बात है। और आप उठा है मारा दादो जी खेम राज जी पुगल राव बरसल रे पिताजी साचक देव रे उठे सेवा करी। दादो सा कहता हा कि मुल्तान तरफ से युद्ध में और काला लोदी ने पराजित करण में उनने राव साचक देव री पूरी सेवा करी और उनने सागे हा दादो सा घना बरस तक पुगल राज की सेवा करी और उम्र रे हिसाब सु सेवा निवृत्ति लेर घरे आया। और एक दिन पुगल राज से बुलाओ आयो कि जिको लविनक पुगल राज की सेवा करी है उनने सम्मान पत्र देख और इनाम रे लवाजित करेला। वाह काई बात है। और आपने तो ठाए अब मारा पिताजी तो है कौन इन खातर मैं पुगल गयो और पुगला राव मारा दादाजी रे नाम सु घना सम्मान सु मने ताम्र पत्र दियो और इनाम री राशि देर लवाजित करियो। भाई साहब अगर दादो सा होता तो कितना राजी होता और उनवत ताम्र पत्र लेता मारी आंखें भरी थी। अब दादो सा होता तो कितना राजी होता। हाँ सच्ची बात इतना बरसा पछे माने पुगल सु तो सम्मान मिलियो। आ तो पुगल वास्ते भी गर्व जोग बात है। सच्ची बात है भाई साहब। अरे भाई साहब मुख्य बात क्यों नहीं तुम्हें भूल ही गयो। खटाव रा ले ठाकुर आए कली पानी पी थारे खतावड़ कोनी आ ते बोलन लाग जा। भाई साहब बात ही सी। हाँ बात रहेगी। हाँ बता। पुगला राव सेखो जी अपारे घरे पधार रहे हैं सुहाप गांव में। हाँ ठाए मने। आपने ठाए? हाँ। भाई साहब एक बात समझ नहीं आई राव सेखो जी अपारे थे? हाँ मैं समझो राव सेखा जी युद्ध खातर पुंगलो निकली और गांव री काकड़ पर करनी भाई सा होना ने मिलिया तो करनी भाई सा कहो के हुकम पधारो घरे भोजन लेन जाओ। पण राव शेखा जी कहो के अबार तो युद्ध करने जावा कि सगुन अपसगुन नहीं हो जावे तो युद्ध में जीत रासा तो आप रे घरा जरूर पधार सा। करनी भाई सा कहो नहीं नहीं और आप ने तो खानो खार जानो ही पड़सी। राव शेखा जी हसन लगा के भाई साहब थाने ही बातें में तो पांच रोटियां और थोड़ो दही है
थारी 140 लुगारी सेना हो या किया खाई तो करनी भाई सा कहो का बिराजो ए सब जी मर जाई एक ही भूखो नहीं जावे अथी चमत्कार हो नारायण। हाँ करनी भाई सा 140 लुगारी सेना ने भी 5 छोकरार दही री कुलड़ी हूं भोजन कराई दियो और आ देख राव शेखा जी नतमस्तक हो गया। करनी बादशाह कहो के जाओ आप युद्ध में जीत और पधारोला अर्थाए शेखा जी युद्ध में जीत गया है और इन्हीं खातर अपन ऐठे पधार रहा है। हाँ भाई साहब आप बात तो मैं भी सुनी ही। और तो और नारायण वो चको बात तो 5 छोकरा और दही री कुलड़ी वो तो मैं मारे खातर खेता में मंगायो है हूं कहीं देखू जब भातेरो वो खोलियो तो 5 रा 5 छोकरा और दही री कुलड़ी भरियोड़ी पड़ी कहीं बताऊं तो आप ही नतमस्तक हो गयो। पर एक बात है नारायण एड़ो दही इसो स्वाद घणो ही दही खाया है माखन खाया है दूध पियो है पर एड़ो दही एड़ो स्वाद रो दही मैं आज तई नहीं खायो आत्मा ही तरप्त होगी। भाईसा ओ तो साथ साथ करनी भाईसा रो चमत्कार होयो है शेखा दी सागे जने भाई युद्ध जीत रपाराठे पधार रिया है करनी भाई सारो आशीर्वाद लेवण वास्ते ए सब इलाज मारी कृपा है। जय आवड़ मां जय इलाज मां। हुकम खम्मा गणी हुकम गणी खम्मा राव शेखो जी पधार रिया शेखो जी हुकम जय श्री करणी माता। श्री करणी जी ने चमत्कार की बातों पूरा प्रदेश में जोरों से फैल रही गांव वाला और सगड़ा घर वाला ने अज्ञात हो गया तो कि श्री करणी माता दिव्य अवतार है। राव शेखा जी युद्ध में जाने से पहला श्री करणी माँ ने वचन दिया तो कि वे अगर युद्ध जीते तो सुआ पाछा आसी और करणी मारा आशीर्वाद सु पुंगलरा राव शेखा जी युद्ध में विजय हुआ। विजय होने रे बाद राव शेखा जी पाछा सुआ पाया 2-3 दिन श्री करणी जी रे चरणों में बिताया।
शेखा जी रो सुआप गांव में घने मान सु स्वागत है। ले रहो सर। आप ले रहो। आप ले रहो। आप मेहमान हो को। लो सर। खीरी का ही जरूरत है। मनवा रहे हो। जय माता जी। जय माता जी। जय माता जी। जय माता जी सर। एक कर और ले रहा बस। लो हुकुम शेखो जी भला पधार्या सुआप गांव में मुंडो मीठो करो। मेहो जी मने यहाँ लागे जी मैं युद्ध जीत पुगल आयो और पुगल में मारो अतिथि सत्कार हो रहे हुकुम आप तो मारा मेहमान और आप तो जानो कि मेहमान देव तुल्य हो आज आप रा चरण भाणे सुआप गांव में पड़िया है तो चारू मेर आनंद ही आनंद छाएंगे। सच्ची बात है भाई साहब। हुकुम आप युद्ध जीत में बता रहे हो इनसे बड़ी बात कहीं हो सके। आ तो सगली करनी भाई सारी कृपा है वरना मैं कठे युद्ध जीत सकता हूं। मैं जद पुगल सु आ रहे हो वारा दर्शन करने तो खेत में करनी भाई साहब मने दर्शन दियो। करनी भाई साहब बोलिया कि युद्ध में जा रहे हो अबीरा तो मारो भातो खातो जा। मने हंसी आई। मैं क्यों भाई साहब मारी 140 री सेना वो थोड़ो सो भातो मारी सेना ने कठे। पर भाई साहब क्यों तू बैठ मन बिठायो हमारी सेना ने बिठायो और इसो स्वादिष्ट दही और भातों में कदी मारे जीवन में नहीं खायो और आप देख सो कि पूरी 140 सेना ने भाई साहब सब आने थपा दियो पेट भर। और जब मैं युद्ध में गयो तो मैं देखियो स्वयं जगदम्बा मारे सागे खड़िया है। मैं युद्ध जीत तो गयो जीत तो गयो जीत तो गयो और आज मैं सबरे आपरे सामने भाई साहब राव शेखो जी पधारिया है और नारो खूब स्वागत हो रहा है। देख रही हूँ मैं ना तो घनी चौकी बात है भाई साहब। ए राव शेखो जी कौन होया पुगल रे राव बलसल रा पुत्र है राव शेखो जी अभी युद्ध सु जीत रहे है। सब सब भाई सारो आशीर्वाद है। सब भाई सारो आशीर्वाद है। अरे मंजू गुलाब अरे खड़ा खड़ा उड़ीक कहीं रहे हो अंदर जा भोजन की तैयारी करो। हाँ भाई साहब अबार करा चल मंजू। करनी भाई साहब नजर नहीं आ रहा है। करनी भाई साहब मैंने आपकी वाट देख रहा। भाई साहब ठोक दे भाई साहब आप लोग कल्याण हो शेखा जी युद्ध जीतर आ गया आप रे दियोड़ा आशीर्वाद छू मैं विजय हुए भाई साहब। आ तो घनी चोखी बात है आप रो होंस यूं ही बढ़ियो रहे।
आशीर्वाद दो भाई साहब, आशीर्वाद दो। भाई साहब शकुनी की शकुन और अपशकुन की बात मने साची लगी। उनने अपशकुन रो आभास होयो और वो युद्ध माए वीरगति प्राप्त होयो। मने युद्ध माए किणी बात रो डर को नहीं हो क्योंकि आप रो विजय आशीर्वाद मारे साथ है। और अन जीत रो साची हकदार मैं हूं, आ बात गलत है। अन जीत रा साचा हकदार तो आप हो करनी भाई साहब। भाई साहब मारी एक अर्ज है आपसे। बोलो काई शेखा जी। मारी अर्ज है कि आप मारा धर्म रा बहन बनो और मैं आप रो धर्म रो वीर हूं। ठीक है शेखा जी, आसु मैं आप ही धर्म भी बैठ और आप मारा बीरा। मैं धन्य हो माँ, मैं धन्य हो। भाई साहब आप रो घनो घनो धन्यवाद कि आप भाई समाजर आप रे चरणा में मने जगा दी। शेखा जी हमेशा एक बात ध्यान रख जो कि धर्म रे मार्ग पर चाल जो और सत्य रे साथ दीजो। चने तो मैं हमेशा थोड़े सागे हूँ। आप रे पूर्व जारे जियो प्रजा रे हित रे कार्य कर जो तो आप रे यश और कीर्ति चारों ओर फैल जासी। प्रजा रो हित ही एक सच्चे राजा री निशानी है। भाई साहब आपरा सुवचन सुन मन प्रभावित हो गयो मारो। मने लागे भाई साहब मैं आपने और सुनतो रहूं, और सुनतो रहूं। भाई साहब एक प्रश्न मारे मन में उठतो रहे कि वो क्यों पुण्य काई है और वो पाप काई है, बताओ भाई साहब। कृपा कर आ दोनारी मने धर्म अनुसार साची व्याख्या समझाओ। हे पूगल आदिपति, कोई जीव रो दुख दूर करनो, उनाने सुख देनो, उनसु प्रेम करनो, ओ ही पुण्य है और ओ ही धर्म है। शेखा जी और किनी जीव ने दुख देनो, उनाने दुख पहुंचानो, उनसु घृणा करनी, ओ ही अधर्म है। प्रेम ही पुण्य है और घृणा ही पाप है शिखा जी। आप रसु वचन सुन मैं धन्य हुए भाई साहब, मैं धन्य हुए। मैं हमेशा धर्म रे मार्ग पर चलू लो भाई साहब, हमेशा धर्म रे मार्ग पर चलू लो। और आप और मारे पूर्वजारी मैं यश और कीर्ति बनाए रखूंगा। आप रा दिया आशीर्वाद और वचन हमेशा याद रखूंगा, हमेशा याद रखूंगा। आप रे शब्दा से मन लाग रहे पुगली री ख्याति आस पास रे सह राज्य सु सगला सु बेसी होसी। भाई साहब मैं आपसे कुछ मांगू ना तो आप मना तो नहीं करोगे? योग्य समय पर योग्य वर मांग सो तो मैं मना किया कर सकूं। और यहां भी थाने खाने कोई चीज की कमी को नहीं, पर यथाशक्ति अगर मैं थाने कहीं दे सकूं तो जरूर मांगो। भाई साहब मने अमर तुम्हें प्रदान करो ताकि मने कोई दुश्मन मार ना सके।
मारा वीर काय गेली गेली बातें करो। जिन जीव रो जन्म हुयो है उनरी मृत्यु तो अटल है, ते थानी बात करो। थाने तो कई अमृत देऊ मैं खुद मनुष्य देह में उत्पन्न होर अमर नहीं हो सकू। भाईसा आप तो शक्ति अवतार हो और आप जिसी बैंड पार अगर मैं अमर नहीं हो सक्यो तो वो जीवन व्यर्थ है। इन मूर्खता भरी मांग में पागलपन है शिखा जी। इन पागलपन री जिद हमेशा आखरी हुए। इन बात रो मने ध्यान है शिखा जी, बढ़िया नहीं कि वरदान मिलने रे सागे थे निश्चित हो जाओ। जन्म लियो है उनरो मरण निश्चित है, उत्पन्न हुयो है तो नाश भी निश्चित है, और ओ ही विधि रो विधान है शेखा जी। आप मारे चरणों में आर आपरे मन री इच्छा बताई है और इन इच्छा सु मैं वैराजी जरूर हूं, और मारे द्वार आर थे वरदान री इच्छा राखी है तो मैं वरदान तो जरूर देऊ। पण आप इन चार बातों से खुद ने बचाए रख जो शिखा जी। वह कहीं है भाईसा? वह आ है कि खीप रे वृक्ष सुबणियोड़ी खाट और आकड़ा रे वृक्ष री छाया, अमावस रो दिन और काले भेड़े रो मास, इन चार संयोगों माए भले तीन संयोग भले ही मिलता हो पर चारों संयोगों ने कदी मिलने मत दिया। जब ताई ये चारों संयोग एक सागे नहीं मिले तब ताई थे जीवित रहवोला, पर जिके दिन सागे मिल गया उन दिन आपकी मृत्यु निश्चित है और फिर आपने मरने से कोई नहीं रोक सके शिखा जी। आपन जीवन रे ताले री कुंजी प्रदान करी, अब अमर बनो रहनो हमारे वास्ते आसान होसी। मैं इन सारे संयोग ने कदी एकत्रित नहीं होने दू, मने आशीर्वाद दो भाईसा। शेखा जी फेर तो विधि रे विधान ने पागलपन समझो हो। पहला भी कहो और रब भी कहूं कि जिके रो जन्म हुयो है उनरी मृत्यु निश्चित है तो थे पागलपन क्यों करो हो। शेखा जी थाने मृत्यु रे दिन ए चारू संयोग आफी मिल जाई और थाने ठा भी नहीं पड़ी। उदाहरण रे अनुसार द्वापर युग में घणाई असुर शिवजी री आराधना कर अमृत वेरो वरदान प्राप्त करने री कोशिश घणी करी। वरदान रे सागे सागे एक पण जरूर जुड़ियोड़ो हो, जिन सुनारी मृत्यु निश्चित होएगी, विधि रो विधान कोई नहीं डाल सके शिखा जी। भाईसा आप री शरण में आए हो, आप मारे भेड़ा रही जुमा, आप रो हुकम हुए तो मैं पुगड़े तरफ प्रस्थान करूंगा। जरूर शेखा जी, थारो कल्याण हुए। राव शेखा जी ने धर्मरा भाई बनाए रे बाद राव शेखा जी कर्णी जी ने वो विश्वास दिलायो कि वे आखी उम्र धर्मरा मार्ग पर चालेला। श्री कर्णी जी पण उनारा धर्मरा भाई राव शेखा जी ने कियो के पुंगल पर कदी भी तकलीफ पड़े तो श्री कर्णी जी उनारा पड़खे उभा। राव शेखा जी और श्री कर्णी जी रा भाई बहन रा अटूट रिश्ता ने आज
इतना बरसों रे बाद भी किनिया चारण और भाटी राजपूतों रो रिश्तों है आज तक निभाता आया। राव शेखा जी सुआप गांव में श्री कर्णी जी रे चरणों में दो तीन दिन बिताने के बाद पुंगड़ गया। पुंगड़ में उनारो स्वागत हुए। थोड़ो समय जाने रे बाद राव बरसल री मृत्यु हुई। राव बरसल री मृत्यु रे बाद पुंगड़ रा स्वामी राव शेखा जी कहलाया। राव शेखा जी पुंगड़ री गादी पर बैठा अपनी साहसिक वृत्ति सु और श्री कर्णी जी रे आशीर्वाद रूपी पथ प्रदक सु वे साहस भरिया कार्य करवा लाग्या। देवी श्री कर्णी जी राव शेखा जी रे व्यक्तित्व शौर्य और साहस री प्रशंसक थी। पर एक दिन श्री कर्णी जी बैठा बैठा ध्यान लगायो और वे राव शेखा जी रे बारे में उनारो भविष्य पूरो ज्ञात कर लिया कि शेखा जी में वह कार्य कुशलता और वह सार्थकता को दी जो अपने भाई भतीजों और सामंतों ने अधीन कर सके उनारा पर नियंत्रण कर सके। राव शेखा जी रे परिवार वाला उनारा भाई उनारा भतीज और राज रे मायने सामंत उनारे प्रति ईमानदार को दी और उन्होंने नियंत्रण में रखे काबू में रखे वह सार्थकता राव शेखा जी ने खोली थी। इतिहास रा पन्नों रे अनुसार और श्री कर्णी जी रे आकलन रे अनुसार पुगल री स्थिति घनी विस्फोटक थी। उनमें संभालनी राव शेखा जी रे बसरी बात खोली थी। दूजी तरफ राव पिकारो भविष्य उज्जवल हो रही थे आ बात श्री कर्णी जी भली भांति जानता है। लो अब मुख्य कहानी तरफ नजर करो। सुआप गांव रे माए श्री कर्णी जी रा पिताजी मेहा जी श्री कर्णी जी रे ब्याह ने ले घना चिंतित था और श्री कर्णी जी रो ब्याह कठे होने वालों है वह बात फकत श्री कर्णी जी ही जानता है। कर्णी रे ब्याह खातर भला भला गांव ठिकाना देखे पर रिश्ते की बात कठे नहीं बनी। कठे कोई घराणो प्रसन्न ही नहीं आयो। सुआ जी री मंजूरी सगाई होगी काल उनारा ब्याह हो जस और सुआ जी रो बोझ हट जस पण था नहीं मारो बोझ कद उतरस। करणी रे ब्याह जो घर गवाड़ी कद मिलस इन बात ने लेर मैं चिंता में पड़ गयो। आप रे पीरे अडाणा सु भी समाचार आया पूछियो ते करनी री सगाई करी कि नहीं करी। मैं तो पड़ उतर दे दियो के दिवाली रे बाद सगाई और ब्याह दोनों कर देसा।